मैं सिर्फ जैन के घर इसलिए गई थी ताकि उसकी फजूल हरकतों के लिए उसे रोक सकूं। लेकिन वहां पे जब कोई नहीं था तो फिर मैं वहां से चली गई। आप वहां से चली गई? उसके अपार्टमेंट। इशारों में बात क्यों कर रही हो? क्योंकि डर लग रहा है। कहीं साफ बात करती तो खौफ सच ना हो जाए। मैंने जो कुछ जैन के सामने कहा तुम्हें उसका यकीन नहीं आ रहा? यकीन तो बहुत है वहां, सबर नहीं होगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सलार। मैं सिर्फ जैन के घर इसलिए गई थी ताकि उसकी फजूल हरकतों के लिए उसे रोक सकूं। लेकिन वहां पे जब कोई नहीं था तो फिर मैं वहां से चली गई। आप वहां से चली गई? उसके अपार्टमेंट। प्लीज मुझे आप कहना बंद करो। मैं पागल हूँ उसके अपार्टमेंट जाऊंगी? मुझे वो धोखे से ले गया था वहां पे। मैं खुद धोखे से वहां लेके गया था। ईमान, कोई किसी को धोखे से कैसे लेके जा सकता है? देखकर डर लग रहा है मुझे। मेरी देख के तुम्हें रोना नहीं आ रहा? तुम इस बात सच बताओगे? मुझे घर छोड़ने के बाद क्या तुम जैन से मिलने गए थे? नहीं, ये क्यों पूछ रही हो मुझसे? पानो, आपका तो फोन आया था जैन कल से मिस। ओह वाह, तो लोग अब तक उसे ढूंढते ढूंढते तुम तक ही पहुंचते हैं। मां, मैं ये क्या कर रहा हूं? I'm sorry, Salar. Really sorry. No, I'm sorry, Mom. तुम्हें पता है मैम, मुझे गुस्सा तुम पे नहीं, अपने आप पे आ रहा है। यहाँ पर क्यों? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा हूँ, अपने साथ ऐसा क्यों कर रहा हूँ। मान, मैंने कभी ऐसे सोचा भी नहीं था तो मैं इतना घटिया हो जाऊंगा कि तुम पे शक करूंगा। बट क्या करूं? इट्स एज इफ मुझे अपने दिलो दिमाग पे कोई कंट्रोल ही नहीं है। मैं भी तुम्हारी जगह होती तो शायद यही करती हूँ। बस खुदा ना करे तुम मेरी जगह पे हो। इमान, रो रहे हैं चले।